नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जो जीके है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान की चित्रकला, ठीक है, पेंटिंग ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की चित्रकला की हम बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान में कौन कौन से जो राज्य थे, जैसे मेवाड़ राज्य, डूडार राज्य, मारवाड़ राज्य, तो क्या थे दोस्तों, उनका राज्य कहते थे पहले, तो कौन कौन से राज्य में कैसे चित्र बनते थे, उनकी क्या विशेषता है, इसके अलावा स्वर्ण काल, इसके अलावा कौन सी उसमें क्या है दोस्तों, कौन से रंग का प्रयोग अधिकांश किया गया है, ठीक है, उनके जो भी प्रमुख विशेषता है उनकी बात करेंगे, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले इसके प्रमाण कहाँ से मिले, कहाँ से चित्रकला राजस्थान में है, उसकी सभी की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप इस क्लास को जरूर देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों, और जो भी चित्रकला है वो हम पढ़ने वाले पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला की अगर बात करूं दोस्तों मैं, तो कुछ राज्य है दोस्तों, ठीक है, राजस्थान में कुछ ऐसे राज्य है दोस्तों, मैं अगर बात करूँ दोस्तों राजस्थान की, इस प्रकार से हमारा क्या है दोस्तों, राजस्थान, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्या है, ये प्यारा सा राजस्थान है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, राजस्थान है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्या है, राजस्थान है। राजस्थान की अगर बात करो दोस्तों में, तो यहाँ पे एक रियासत थी दोस्तों, ये थी दोस्तों मेवाड़ रियासत, ठीक है, यहाँ पे थी दोस्तों मारवाड़ रियासत, यहाँ पे थी ढूडार, और यहाँ पे थी दोस्तों हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ मुख्य इसमें उदयपुर आता है दोस्तों, उदयपुर के जो भी आसपास के जो जिले हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, तो उनको क्या कहा जाता था दोस्तों, इनको कहा जाता था मेवाड़ राज्य, क्या कहा जाता था इनको, मेवाड़ राज्य। नेक्स्ट में बात करूं दोस्तों मारवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य की अगर बात करूं दोस्तों, तो जोधपुर है दोस्तों, जोधपुर या फिर जोधपुर के आसपास के जो भी है दोस्तों जिले, जैसे बीकानेर है, तो उनको क्या कहा जाता दोस्तों, मारवाड़ कहा जाता था, क्या कहा जाता दोस्तों, मारवाड़ राज्य, ठीक है, मारवाड़ राज्य। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बेसिक से, तो आप वीडियो जरूर देखें एक बार, मैं आपके दिमाग में जो भी इसकी संरचनाओं में बता रहा हूँ कि कौन कौन सा राज्य है, वहां पे कैसी संरचना थी उस टाइम। यहाँ की अगर बात करूँ दोस्तों, जयपुर अभी वर्तमान में, लेकिन पहले आमेर था, आमेर और उसके आसपास जैसे अलवर हो गया, उनियारा हो गया, तो उनके आसपास जो क्षेत्र था दोस्तों, उनको कहा जाता था ढूढ़ाड़ प्रदेश या ढूढ़ाड़ राज्य, ठीक है, आमेर, तो इसको बोला जाता था दोस्तों ढूढ़ाड़, ठीक है, ढूढ़ाड़ क्यों कहा जाता है, यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ढूंढ नदी, इसी कारण से ढूढ़ाड़ इसको कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करूँ दोस्तों, कोटा, बारा, झालावाड़, इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं हाड़ौती राज्य, कौन सा राज्य दोस्तों, हाड़ौती राज्य, ठीक है, इस प्रकार की संरचना है। तो हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान में जो चित्रकला है, राजस्थान में चित्रकला कहाँ से आरंभ हुई है, चित्रकला कहाँ कौन कौन सी विशेषता, मेवाड़ में किस कौन कौन से चित्र में देखने को मिलते हैं, मेवाड़ मारवाड़ में कौन से मिलते हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण, राजस्थान में प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलता है इसका, ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन ये है, तो मैं जैसे आपको लिखा रहा हूँ दोस्तों, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइए। राजस्थान किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आर ए से लेकर के आप पुलिस कॉन्स्टेबल तक की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो सभी के लिए अति इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की चित्रकला। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राचीनतम प्रमाण, राजस्थान की जो चित्रकला है, सबसे पहले इसका हमें प्रमाण कहाँ मिलता है दोस्तों, तो उसकी बात करता हूं मैं, प्राचीनतम प्रमाण हमें प्राचीन कहाँ पे ऐसे चित्र मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि यह चित्रकला राजस्थान की है। तो प्राचीनतम प्रमाण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्राचीनतम प्रमाण की बात करूँ तो जैसलमेर दुर्ग में मिला है, ठीक है, कहाँ पे मिला है, जैसलमेर दुर्ग में है दोस्तों, जीन दत्त सूर्य ग्रंथ भंडार नाम से क्या है दोस्तों, ये एक वहाँ पे दुर्लभ संग्रहालय है दोस्तों, ठीक है, जो भूमि के अंतर्गत चलता है, तो एक संग्रहालय है, वहाँ पे हमें कुछ ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। तो
कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं जैसलमेर भंडार दुर्ग, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं जैसलमेर, जैसलमेर भंडार दुर्ग। कहाँ को मिलते हैं दोस्तों? जैसलमेर में हमें मिलते हैं। इसके आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो चित्र हमें मिले हैं वो कौन कौन से चित्र मिले हैं उसकी बात करता हूँ मैं दोस्तों, कौन कौन से चित्र मिले हैं। एक तो दोस्तों दस वैकालिका सूत्र चूर्णी, दस वैकालिका सूत्र चूर्णी, एक तो यह चित्र में मिला है। दूसरा मिले हैं, दूसरा में मिला दोस्तों औद नियुक्ति वृत्ति, कौन सा दोस्तों? औद नियुक्ति वृत्ति, ये हमें चित्र मिले हैं। और हम बात करें दोस्तों कौन सी ईस्वी के है दोस्तों, तो ये लिखे ये है दोस्तों 1060 ईस्वी की, ठीक है। कौन सी ईस्वी के है दोस्तों? 1060 ईस्वी के। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनका चित्रकार कौन था दोस्तों, चित्रकार की बात करूं दोस्तों तो वो थे दोस्तों आलेखकार पाटिल। कौन थे दोस्तों? आलेखकार पाटिल। क्या थे दोस्तों? यहाँ के चित्रकार थे जो राजस्थान में सर्वप्रथम चित्र मिले हमें, कहाँ में मिले दोस्तों? वो मिले हमें जैसलमेर दुर्ग में मिले हैं, जिसमें ये मिले हैं दोस्तों दस वैकालिका सूत्र चूर्णी और नियुक्ति वर्ती, ये ग्रंथ मिले वहां पे चित्र है दोस्तों। कब के है ये? 1060 ईस्वी के है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? आलेखकार पाटिल के है इसके लेखक है। जैसलमेर दुर्ग में कहाँ मिला दोस्तों? तो वो मिला है दोस्तों संग्रहालय दोस्तों, जो भूमि पे चलता है उसका नाम क्या है दोस्तों? जीन दत्त सूरी, जीन दत्त सूरी, ठीक है, जीन दत्त सूरी ग्रंथ भंडार, ठीक है, ग्रंथ भंडार यहाँ पे हमें ये मिला है दोस्तों, ठीक है। प्राचीनतम प्रमाण की अगर बात करें तो प्राचीनतम प्रमाण मिला जैसलमेर दुर्ग में, दस वैकालिका सूत्र चूर्णी और औद नियुक्ति वर्ती, ये चित्र में मिले 1060 ईस्वी में, ये लिखे ये चित्रित किए गए थे। इनके चित्रकार कौन है? आलेखकार पाटिल। कौन है मित्रों? आलेखकार पाटिल। कहाँ पे मिले? जैनदत्त सूरी, जो अंडरग्राउंड है दोस्तों, जो भूमिगत जो संग्रहालय वहां पे हमें मिला है दोस्तों। नेक्स्ट में बात करता हूँ दोस्तों राजस्थान की चित्रकला के लिए किस किसने क्या क्या कहा है, तो मैं बात करता हूँ दोस्तों आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी वो प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इन्होंने ये किया था दोस्तों एके स्वामी या फिर आनंद कुमार स्वामी ने। कब किया था दोस्तों? ये 1916 ईस्वी में किया था। यहाँ पे लिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी। कौन थे दोस्तों? आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने 1916 में, ठीक है, 1916 में राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया, ठीक है। सर्वप्रथम काम किन्होंने किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है। ये इधर की साइड में है। तो प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर दुर्ग में मिलते हैं, दस वैकालिका सूत्र चूर्णी और नियुक्ति वर्ती ग्रंथ मिलते हैं। इसके अलावा ये जैनदत्त सूरी ग्रंथ भंडार है, यहाँ पे भंडार है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों कर्नल जेम्स रोड की, उन्होंने राजस्थान चित्रकला के लिए क्या कहा है दोस्तों? राजस्थान चित्रकला को अगर बात करूँ मैं कर्नल जेम्स रोड की, तो उन्होंने कहा है दोस्तों राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग कहा है किसको? राजस्थान की चित्रकला को। किन्होंने दोस्तों? तो ये कहा दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा। क्या कहा दोस्तों? उसके लिखा हूं मैं यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड, ठीक है। कौन है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड, जिनको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या नाम दिया दोस्तों? राजस्थानी चित्रकला।
क्या कहा है दोस्तों? राजस्थानी चित्रकला किसको कहा है दोस्तों? ये कहा है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ दोस्तों अंसी मेहता या नरसिंह चंद्र मेहता, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा हिंदू चित्रकला, ठीक है। उन्होंने क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा दोस्तों हिंदू चित्रकला, किन्होंने? अंसी मेहता यानी कि नरसिंह चंद्र मेहता। क्या कहा दोस्तों इन्होंने? हिंदू चित्रकला, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं मित्रों, प्राचीनतम प्रमाण कहां मिलते हैं राजस्थान चित्रकला का? जैसलमेर दुर्ग में मिलता है, जिसमें 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्ण ये क्या ग्रंथ है वो 1060 ईस्वी में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये आलेकार पाटिल के द्वारा चित्रित किए गए थे। जिंदत सूर्य ग्रंथ भंडार जैसलमेर दुर्ग में चलता है, वहां पे चित्र में देखने को मिले। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में क्या किया था इसका अध्ययन पता राजस्थान चित्रकला का, ठीक है। किन्होंने किया था? ये किया था आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की अगर बात करूं दोस्तों मैं, आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान चित्रकला को क्या कहा है? वो क्या कहा है दोस्तों? राजपूत पेंटिंग। क्या कहा है दोस्तों? राजपूत पेंटिंग। 1916 में राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन और क्या कहा है दोस्तों? किया राजपूत पेंटिंग, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम उसका? राजपूत पेंटिंग। कब लिखी थी? 1916, राजपूत पेंटिंग। तो ये क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन किया था। इन्होंने किया था आनंद कुमार स्वामी ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान चित्रकला कहा है राजस्थान चित्रकला को। इसके अलावा अंसी मेहता या नरसिंह चंद्र मेहता ने हिंदू चित्रकला कहा है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, बेसिक जो जानकारी मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे एक एक यहाँ जो आपसे लिया है उनको। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए दोस्तों इसका। नेक्स्ट में बात करने वाला हूँ इसके आगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, ठीक है। उत्पत्ति की हम बात करेंगे, तो आशा करता हूँ मित्रों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उत्पत्ति यानी कि जो चित्रकला है ये कहाँ से आई भारत में, सॉरी राजस्थान में। राजस्थान में चित्रकला कहाँ से आई? तो ये कहाँ से आई थी दोस्तों? कौन कौन से राज्य से आई थी? किस प्रकार की है दोस्तों? तो ये क्या है? एक प्रकार की अपभ्रंश शैली है। कौन सी शैली है दोस्तों? अपभ्रंश शैली है। मैं बात करता हूं दोस्तों उत्पत्ति की, ठीक है। उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है, उसकी बात करता हूं। उत्पत्ति के लिए मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों? राजस्थान। इसको आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है मित्रों। तुम्हारा क्या हो गया? राजस्थान हो गया, ठीक है। क्या हो गया दोस्तों? राजस्थान हो गया ये। तो उत्पत्ति की अगर बात करो दोस्तों मैं, ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूँ भारत के मैप में, ठीक है। एक बार भारत के मैप में समझाता हूँ मैं आपको। तो भारत में कहाँ, भारत में कौन से राज्य से राजस्थान में आई है उसके बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार के लिए मैं भारत का मैप जो है वो बना के आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप वो देख लीजिए, इस प्रकार का क्या है दोस्तों हमारा प्यारा सा भारत देश है, ठीक है। क्या दोस्तों? ये भारत देश है। मैं बात करूं दोस्तों इसके भारत में, तो भारत में दोस्तों यहाँ पे एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है महाराष्ट्र। क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र है। यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम क्या है दोस्तों? गुजरात है। क्या है? गुजरात, जी जी। यहाँ पे एक राज्य है दोस्तों इस प्रकार से, इसका क्या नाम है? उसका नाम है राजस्थान, ठीक है। तो मैं इसकी बात करता हूँ, तो हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, राजस्थान जी चित्रकला इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, सबसे पहले सर्वाधिक जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं भारत में वो मिलते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में अजंता की जो गुफा है वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जो सर्वाधिक जो धर्म का बोलबाला था, सर्वाधिक धर्म का यहाँ पे था दोस्तों, वो कौन सा था? बौद्ध धर्म। कौन सा था दोस्तों? वो था बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। ये रोजगार के लिए कहाँ से, जो यहाँ पे जो भी चित्रकार थे मित्रों महाराष्ट्र में, ये रोजगार के लिए कहाँ से आए? रोजगार के लिए या कहाँ आए दोस्तों? गुजरात आए। और गुजरात में कौन सा धर्म था? गुजरात में था दोस्तों जैन धर्म। कौन था? जैन धर्म, जैन धर्म था।
जब ये बौद्ध धर्म यहाँ से ये यहाँ आए दोस्तों, यहाँ पे जैन धर्म का बोलबाला था, तो यहाँ से क्या दोस्तों ये रोजगार के लिए व्यवसाय के लिए आए, ठीक है, लेकिन इनका धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर आते हैं दोस्तों तो जैन इनको जैन धर्म अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा? जैन धर्म। तो इन्होंने जैन धर्म अपनाया दोस्तों, और यही व्यवसाय यहाँ बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आया दोस्तों? यहाँ पे राजस्थान में आया। राजस्थान में यहाँ पे एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है दोस्तों मेवाड़ रियासत। कौन सी दोस्तों रियासत है? मेवाड़ रियासत। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो चित्र देखने में मिलते हैं वो जैन धर्म के मिलते हैं दोस्तों सर्वप्रथम। तो जो औद्ध नियुक्ति बढ़ती और 10वें कलिका सूत्र चूर्ण मैंने बताया वो भी कौन से दोस्तों? जैन धर्म के चित्रित है वो दोस्तों, ठीक है। मैं बात करता हूँ यहाँ की, तो यहाँ पे प्रवेश कहाँ पे हुई है? मेवाड़ में हुई है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से क्या दोस्तों, ये हुई है दोस्तों राजस्थान में इसकी उत्पत्ति। यहाँ पे कौन सा दोस्तों? मेवाड़ राज्य, मेवाड़, ठीक है। तो इस प्रकार से कहाँ पे हुई है दोस्तों? ये हुई है दोस्तों, ये हुई है दोस्तों मेवाड़ में। अब मैं बात करता हूँ किस प्रकार की, बात इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जैसे आप यहाँ पे लिखा है वैसे आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसके लिए ये किस प्रकार की शैली है। ये पहले तो बौद्ध धर्म था लेकिन बाद में जैन धर्म हो गया, यानी कि मिश्रण हो गया ये। तो ये किस प्रकार की शैली है दोस्तों? कि यह दोस्तों अपभ्रंश शैली है। किस प्रकार की शैली है दोस्तों? ये अपभ्रंश शैली है। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, मैं गुजरात से होते हुए सर्वप्रथम मेवाड़ राज्य में आई, ठीक है। कहाँ से कहाँ आए दोस्तों? ये मेवाड़ राज्य में आई है, ठीक है दोस्तों। और ये किस प्रकार की शैली है दोस्तों? तो ये है दोस्तों एक प्रकार की अपभ्रंश शैली। कौन सी है दोस्तों? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब ये है दोस्तों जब कोई भी दोस्तों दो शैलियों का मिश्रण होता है, तीसरी शैली वो उत्पन्न होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अपभ्रंश शैली। तो एक किस प्रकार की शैली है दोस्तों? एक अपभ्रंश शैली है। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पे आए दोस्तों? मेवाड़ राज्य के अंतर्गत आई। मैं बात करता हूँ आगे इसकी, ये स्वतंत्र कब हुई? स्वतंत्र कब हुई दोस्तों? तो स्वतंत्र हुई दोस्तों कौन सी सदी में हुई दोस्तों? तो हुई है 15वीं सदी में, यानी कि महाराणा कुंभा के समय, 15वीं सदी में। मैं बात करता हूँ इसका स्वर्ण काल की अगर बात करूं तो 17वीं व 18वीं सदी में, ठीक है दोस्तों। 17वीं 18वीं सदी में क्या हुई है दोस्तों? ये स्वर्ण मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मेवाड़ में आई राजस्थान चित्रकला। ये किस प्रकार की शैली है? एक अपभ्रंश शैली है। स्वतंत्र कौन सी सदी में हुई? 15वीं सदी में। स्वतंत्र का मतलब ये है दोस्तों, यानी पहले क्या थी? ये गुलाम थी। गुलाम का मतलब यह है दोस्तों, यानी कि सर्वाधिक जो भी चित्र बनते थे दोस्तों जैन धर्म या बौद्ध धर्म के थे, लेकिन 15वीं सदी में वो ऐसे शूरवीर पैदा हुए वहां राजस्थान में, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप हुए दोस्तों, सॉरी महाराणा कुंभा हुए हैं दोस्तों, तो उनके काल में क्या हुई है? स्वतंत्र हो गई दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, इसका स्वर्ण काल भी आया। स्वर्ण काल में यानी कि सर्वाधिक चित्र चित्रित किए गए दोस्तों, ठीक है। कौन सी सदी में? 17वीं और 18वीं सदी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक चित्रित किए गए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आगे। इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है, कौन कौन सी जो शैलियाँ हैं वहाँ पे कौन कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? उनको पढ़ेंगे दोस्तों कंपेरिजन में पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप भूलेंगे नहीं, याद आपको लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आशा करता हूँ आपने दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, 17 और 18 सदी में आपने नोट कर लिया है, यहाँ आगे लिखा रहा हूँ मैं। इसके अलावा कौन कौन सी उप शैलियां हैं राजस्थान चित्रकला की दोस्तों? आप क्लास को पूरी देख लीजिएगा, पूरी देखेंगे तो ही आपको फायदा होगा, अगर बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो नुकसान होगा दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जरूर इसको देखें। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ राजस्थान चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष, यानी कि राजस्थान में जो प्राचीन अवशेष मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, और ठीक है।
यहाँ पे लिखा रहा हूँ राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष, राजस्थानी राजस्थानी चित्रकला चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष, राजस्थानी चित्रकला के जो प्राचीनतम अवशेष है और कौन कौन सी जगह मिले हैं वो मैं आपको लिखाने वाला हूँ। पहली बात करता हूँ मैं दोस्तों कोटा की। कोटा में कहाँ मिलता है दोस्तों? चंबल नदी के किनारे। कहाँ पे मिलता है? कोटा में चंबल नदी के किनारे मिलता है। पहला कोटा में चंबल नदी के किनारे कहाँ पे मिलता है मित्रों? चंबल नदी के किनारे मिलता है कोटा में, ठीक है। और गांव की बात करूं मैं, गांव कौन सा है दोस्तों? आलनिया गांव है, ठीक है। आलनिया गांव, आ ल निया गांव, कौन सा गांव मित्रों? आलनिया गांव है। वहां पे दोस्तों हमें ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं, प्राचीन चित्र, ठीक है। सेकंड बात करता हूँ, सेकंड कहाँ पे मिलता है? जैसे पुष्कर में मिलता है, सवाई माधोपुर में मिलता है, भरतपुर में मिलता है। तो क्या है दोस्तों, प्राचीन क्या है? अवशेष मिले हैं चित्रकला के। सेकंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर भरतपुर। तीसरी बात करूं दोस्तों, पुष्कर कहां पे मिलता है? पुष्कर में मिलता है। पुष्कर की अगर बात करूं तो एक आपने गुफा सुनी होगी दोस्तों, अगस्त्य मुनि की गुफा। किसकी? अगस्त्य मुनि की गुफा। कौन से मुनि की गुफा दोस्तों? अगस्त्य मुनि की गुफा पुष्कर में। इसके अलावा चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? चौथा सवाई माधोपुर। कहां पे दोस्तों? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में मिले हैं दोस्तों। अगर मैं पांचवे की अगर बात करूं दोस्तों, पांचवा पे हमें प्रमाण कौन सी जगह मिला है? तो वो मिला दोस्तों जयपुर में मिला है, विराट नगर, ठीक है। जयपुर में मिला है विराट नगर की पहाड़ियां। कहां पे मिला दोस्तों पांचवा? जयपुर। जयपुर में कहां मिला दोस्तों? विराट नगर की पहाड़ियां, पहाड़ियां, ठीक है मित्रों। तो कहां कहां पे मिला है दोस्तों प्राचीन प्रमाण, प्राचीनतम अवशेष, इसको आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए इसे, ठीक है। तो कहां कहां मिला दोस्तों? कोटा में मिला, चंबल नदी किनारे, कौन सा गांव? आलनिया गांव। भरतपुर में मिला है, पुष्कर में मिला, अगस्त्य मुनि गुफा में, और सवाई माधोपुर में मिला है, जयपुर में मिला, विराट नगर की पहाड़ियों में। ये प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं राजस्थान में चित्रकला के। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की जो उपशैलियां दोस्तों चित्रकला की उपशैलियां, उसकी बात करेंगे। मेवाड़ उपशैली, मेवाड़ की कौन कौन सी उपशैलियां हैं? जयपुर में उद्यान डुडाड़ की कौन कौन सी उपशैलियां, उसके हम बात करेंगे। तो आशा करता आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बात करता हूँ आगे राजस्थान की लघु चित्र शैलियां, ठीक है। राजस्थान की लघु चित्र शैलियां, राजस्थान की जो लघु चित्र शैलियां हैं वो कौन कौन सी है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप हम बात करेंगे इसमें राजस्थान की कौन कौन सी चित्र शैलियां है, ठीक है मित्रों। तो मैं आपको लिखा रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले मेवाड़ चित्र शैली, ठीक है, मेवाड़ शैली, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों मारवाड़ शैली या मारवाड़ चित्र शैली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों ढूढ़ाड़ शैली,
सहेली। और छोटी की बात करो दोस्तों में, तो छोटी हो जाएगी हार्ड होती सहेली। कौन सी सहेली? हार्ड होती सहेली, हार्ड होती सहेली। ये कहा क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों, ये चित्र सहेलियां दोस्तों। मेवाड़ राज्य में कौन कौन सी चित्र सहेलियां थी और कौन कौन सी इसमें जिले आते हैं दोस्तों, ठीक है। ढूंढाड़ सहेली में कौन कौन से जिले आते हैं, हार्ड होती में कौन कौन से जिले आते हैं, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे हार्ड होती सहेली आप चित्र सहेली आगे लिख सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? सहेली हम बोल सकते हैं स्कूल, ठीक है। इनको हम स्कूल भी बोल सकते हैं, मेवाड़ स्कूल, स्कूल स्कूल भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो स्कूल भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है दोस्तों? इनको स्कूलों में विभाजित किया गया था दोस्तों, इनको स्कूल भी कहा जाता था दोस्तों, यानी स्कूल में बांटा गया था दोस्तों, ठीक है। मारवाड़ चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली या मारवाड़ स्कूल, तो इनको क्या इस प्रकार से स्कूल में क्या है दोस्तों, विभाजित कर दिया गया था। स्कूल का मतलब इसमें विद्यालय से नहीं है, ठीक है, इसमें घर से है दोस्तों, ठीक है। मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ोती स्कूल। इसके बात करता हूँ दोस्तों इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। इसके अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें आता सबसे पहले तो आता है दोस्तों, पहला ही आता है उदयपुर, उदयपुर। इसी को कहा जाता है दोस्तों मेवाड़, ठीक है, उदयपुर या उदयपुर या मेवाड़ चित्र शैली, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं बात करूँ दोस्तों नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली, कौन सी शैली? नाथद्वारा चित्र शैली। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों मैं चामंड शैली, जो कि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी भी रही थी दोस्तों ये। इसके अलावा ठीक है उदयपुर, मैं उदयपुर को मेवाड़ मुख्य क्या है दोस्तों, जिला है, जिसको क्या मेवाड़ बोलते हैं। नाथद्वारा है, चामंड है। इसके अलावा बात करता हूँ मैं देवगढ़ एक ठिकाना भी था, तो क्या है दोस्तों देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, कौन सी शैली दोस्तों? देवगढ़ शैली। मारवाड़ की बात करता हूँ मैं, मारवाड़ में कौन कौन सी आती है दोस्तों? तो सबसे पहले अगर बात करूँ दोस्तों मैं, ये जोधपुर, मारवाड़ या जोधपुर, ठीक है। तो क्या आता है दोस्तों इसमें? जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों बीकानेर शैली, बीकानेर शैली। तीसरी अगर मैं बात करूँ दोस्तों किशनगढ़, किशनगढ़ शैली। चौथी की अगर बात करूँ दोस्तों मैं, तो इसमें नागौर आ जाएगा और अजमेर आ जाएगा, ठीक है, नागौर अजमेर, ठीक है, नागौर। इसी में क्या ज्यादा आ जाएगा दोस्तों? अजमेर। तो ये किसमें आएंगे दोस्तों? ये आएगी मारवाड़ शैली में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मैं ढूंढाड़ शैली में या ढूंढाड़ स्कूल में, ढूंढाड़ स्कूल में कौन कौन से राज्य आएंगे या कौन कौन से जो जिले हैं वो आएंगे। इसमें सबसे पहले बात करता हूँ ढूंढाड़ की, तो इसमें आएगा आमेर। सेकंड आएगा दोस्तों जयपुर। इसके अलावा इसमें आ जाएगा अलवर। इसमें आ जाएगा दोस्तों उनियारा। हाड़ोती की अगर बात करूं दोस्तों मैं, हाड़ोती की, तो हाड़ोती में आ जाएगा दोस्तों कोटा जाएगा। इसके अलावा बात करूं मैं कोटा के अलावा, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों बूंदी आ जाएगा। इसके अलावा तीसरा की अगर बात करूं दोस्तों मैं, तीसरा जाएगा झालावाड़। क्या जाएगा दोस्तों? झालावाड़, ठीक है। तीसरा क्या जाएगा दोस्तों? झालावाड़। तो ये क्या है दोस्तों? ये है राजस्थान की चित्र शैलियां, लघु शैलियां। क्या है दोस्तों? मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, ढूंढाड़ स्कूल है, हाड़ोती स्कूल है। इनको स्कूलों में विभाजित किया गया था। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी उपशैलियां हैं? उदयपुर या मेवाड़, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली। मारवाड़ में कौन है? जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ये लगता है कि किशनगढ़ किस में आता होगा दोस्तों? ढूंढाड़ में भी आता होगा, लेकिन ये मारवाड़ में आता है। छोटे की अगर मैं बात करूँ ढूंढाड़ स्कूल, तो ये आमेर में, जयपुर में, अलवर में, उनिया, ये क्या आते हैं दोस्तों? ये ढूंढाड़ से स्कूल में आते हैं। इसके अलावा हाड़ोती स्कूल में क्या आते हैं दोस्तों? कोटा, बूंदी, झालावाड़, जो हाड़ोती प्रदेश है वो आता है। तो आप इनको इसे कैसे नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं आगे बात करूंगा इसमें कौन कौन से शैली में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया है। तो आप ऐसे स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं आराम से, तो आप स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए। तो मित्रों आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है।
ये जो लिखा हुआ है इसी के नीचे आपको लिखना है, ठीक है, जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वो इसी के नीचे लिखना है। और मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ रंग समायोजन, यानी कि कौन कौन सी शैली में कौन कौन से रंग का हमें प्रयोग देखने को मिलता है सर्वाधिक, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, पूछा भी जाता है कि लाल पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक कौन सी चित्र शैली में किया गया है, नीले पीले में किसमें किया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो मैं यहाँ लिखा रहा हूँ दोस्तों रंगों का रंग समायोजन, क्या लिखा रहा हूँ दोस्तों मैं रंग समायोजन, सर्वाधिक रंग कौन कौन सी किस किस की विशेषता है, ठीक है। तो लिखा रहा हूं मैं रंग समायोजन, क्या लिखा रहा हूं मैं रंग समायोजन, ठीक है। तो मैं बात करता हूं दोस्तों मेवाड़ की, तो मेवाड़ में हमें देखने को मिलता है दोस्तों लाल प्लस पीला रंग, लाल प्लस पीला रंग कहां मिलता है दोस्तों, ये मिलता है मेवाड़ में, कहां पे मिलता है दोस्तों, ये मेवाड़ में मिलता है। याद कैसे रहेगा, मेवाड़ में से शूरवीर हुए दोस्तों महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, बहुत सारे जो अनगिनत है बहुत सारे ऐसे हुए दोस्तों जो मेवाड़ स्कूल से याद कैसे रहेंगे। जब भी उनको कहा जाता था कि आप क्या है दोस्तों ये हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, तो अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, वो लाल पीले हो जाते थे, क्या हो जाते दोस्तों ये बोलते लाल पीले हो जाते थे। तो ये आप याद रख सकते हैं मेवाड़ स्कूल में कौन से प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक, कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, लाल और पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ मारवाड़ की, तो इसमें लाल को हटा देंगे तो पीला बच जाएगा, तो इसमें कौन से रंग का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों सर्वाधिक, ये किया जाएगा दोस्तों पीले रंग का, पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किसमें किया जाएगा दोस्तों मारवाड़ स्कूल में या मारवाड़ शैली में सर्वाधिक पीले रंग का प्रयोग। बात करता हूँ मैं दोस्तों ढूढाड़ की, ढूढाड़ में आता है दोस्तों आमेर, आम कैसा होता है दोस्तों प्राकृतिक होता है या कृत्रिम होता है, प्राकृतिक होता है, तो यानी कि प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किसमें मिलता है दोस्तों ढूढाड़ स्कूल में, ठीक है, प्राकृतिक रंग, ठीक है, प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक कहाँ मिलता है प्रयोग, ये मिलता है दोस्तों में ढूढाड़ स्कूल में, कौन से स्कूल में मिलता है दोस्तों ढूढाड़ स्कूल में। नेक्स्ट में बात करता हूँ दोस्तों मैं हाड़ौती की, तो इसमें यहाँ पर क्या मिलता है दोस्तों सोने चांदी, ठीक है, सोने चांदी या सुनौरा जो कलर मिलता है वो कहाँ पे मिलता है दोस्तों, वो मिलता है दोस्तों हाड़ौती में, कहाँ पे मिलता है दोस्तों हाड़ौती में मिलता है। तो हरा प्लस सुनहरा, हरा प्लस सुनहरा, इसके अलावा क्या है दोस्तों सोने चांदी, सोने व चांदी के रंग, सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग भी कहाँ किया गया सर्वाधिक, तो ये किया गया दोस्तों हाड़ौती स्कूल में, ठीक है। तो रंगों की बात हो गई, इसके अलावा मैं आगे बात करता हूँ आंखों का समन्वय, ठीक है, वो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आराम से। इसके आगे मैं बात करता हूँ कौन सी चित्रशैली जो है वहाँ पे किस प्रकार की आंखें या नेत्र में देखने को मिलते हैं, तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ मित्रों, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आगे हम बात करेंगे आंखों का समन्वय की, तो यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप राजस्थान की, तो उसमें से ये जो टॉपिक है दोस्तों अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट आउट होते हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इसके आगे आंखों का समन्वय, आंखें किस प्रकार की मिलती है, कौन कौन सी चित्रशैली में कैसी आंखें मिलती हैं, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं आंखों का समन्वय, आंखों का समन्वय, ठीक है, आंखें कैसी देखने को मिलती है हमें, कौन सी चित्र से लेंगे उसके क्या विशेषता, उसके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं किशनगढ़ शैली, ठीक है, किशनगढ़ शैली की अगर बात करूं दोस्तों, किशनगढ़ शैली में आपने देखा होगा दोस्तों बड़ी ठनी, ठीक है, बड़ी ठनी का देखा होगा चित्र आपने, जिसमें क्या ऐसे तीखा नाक है, ठीक है, खंजर समान जैसे इसकी आंखें है, इसे खंजर समान इसकी आंखें है, तीखा नाक है, पारदर्शी वस्त्र है, इसकी क्या प्रमुख विशेषता है मित्रों। तो इसकी आंखों की बात करो दोस्तों, तो मैं है दोस्तों तीर कमान जैसी या खंजर समान जैसी क्या है आंखें है इसकी, किसकी,
चित्रशैली में जो देख के दे रखी है बड़ी ठणी उसकी। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों किशनगढ़ शैली, तो इसमें कौन सी आंखें हैं दोस्तों, तो यह है दोस्तों तीर कमान व तीर कमान व खंजर जैसी आंखें, व खंजर जैसी आंखें। किस प्रकार की आंखें, यहाँ पर तीर कमान और खंजर जैसी आंखें हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ दोस्तों आगे जोधपुर शैली, ठीक है। कौन सी शैली दोस्तों, जोधपुर शैली, जोधपुर जोधपुर शैली। इसकी अगर बात करो दोस्तों मैं, तो जोधपुर शैली में क्या है दोस्तों, बादाम जैसी आंखें, किसकी तरह, बादाम जैसी आंखें, बादाम जैसी आंखें। थर्ड, ठीक है, किशनगढ़ में तो तीर कमान जैसी आंखें व खंजर जैसी आंखें है, जोधपुर में कैसी है, बादाम जैसी आंखें हैं। इसके अलावा आमेर या बोल सकता हूँ मैं ढूंढार, तो वहां पे कैसी है दोस्तों, वह है दोस्तों मछली के समान, ठीक है, आमेर या जयपुर, ठीक है, जयपुर या आमेर, जयपुर या आमेर से भी। तो यहाँ पे किस प्रकार की आंखें दोस्तों, यह है मछली के समान, मछली के समान आंखें, किसके समान है दोस्तों, यह है मछली के समान, कहां पे, जयपुर में। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों आगे कोटा व बूंदी में, कोटा बूंदी में कैसी है दोस्तों, उसकी बात करता हूं मैं, ठीक है, कोटा व बूंदी, कोटा बूंदी में किस प्रकार की आंखें दोस्तों, तो यह है आम के समान आंखें, ठीक है, आम के समान आंखें, ठीक है। अगर आप देखते हैं दोस्तों, अगर आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो जो कोटा और बूंदी है वहां पे क्या मिलते हैं, सर्वाधिक हमें पेड़ पौधे, ठीक है, हरियाली का चित्रण मिलता है। तो वहां पे दोस्तों याद रख सकते हैं आप, हरियाली अधिक होने से कारण वहां पे आम ज्यादा हो रहे हैं, और आम की जैसे आंखों का जो समझ में हमें देखने को मिल रहा है कोटा और बूंदी शैली में मिल रहा है, ठीक है। इसके आगे बात करता हूं मैं दोस्तों नाथद्वारा शैली, ठीक है, नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली। अब नाथद्वारा के नाम से आपको याद आ रहा होगा दोस्तों श्रीनाथ जी का चित्रण, ठीक है, वहां पे दिन में 8 बार पूजा होती है, ठीक है। इसके अलावा भी आपने पढ़ा होगा वहां पे सर्वाधिक इसमें चित्र देखने को मिलते हैं गायों के, उसके अलावा कृष्ण लीलाओं के सर्वाधिक चित्र देखने को कहां मिलते हैं, नाथद्वारा शैली में मिलते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ दोस्तों आंखों की, तो हिरण व गाय के समान आंखें, आंखों का चित्रण, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहा हूं मैं हिरण व गायों जैसी आंखें, हिरण व गायों जैसी आंखों का चित्रण कहां में मिलता है, तो ये मिलता है नाथद्वारा। तो मैंने कंपैरिजन में याद कराया, ठीक है, कि कौन कौन सी जो शैलियां वहां पे कैसी आंखें है दोस्तों। इसके अलावा वहां के दोस्तों रंग है दोस्तों कौन कौन से, तो मैंने कंपैरिजन में याद कराया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब मैं आगे लिखवा रहा हूँ इसके कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, वो संस्थान कौन कौन से संस्थान है इसके, राजस्थान में चित्रकला कौन कौन सी संस्थाएं चल रही है, तो वह हम लिखवाएंगे। लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ठीक है, फिर हम एक एक बाद में पढ़ेंगे, एक एक चित्रशैली को, मेवाड़ को, मारवाड़ को, सभी को हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं, तो चार संस्थाएं हैं, चार संस्थान है, ठीक है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं राजस्थान में इसकी। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राजस्थान चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं, ठीक है, और राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं
कौन कौन सी संस्थाएं हैं दोस्तों राजस्थान में चित्रकला की, तो हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले लिखा रहा हूँ मैं सरस्वती भंडार, ठीक है, सरस्वती भंडार। पहला है दोस्तों सरस्वती भंडार, तो इसकी बात करते हैं कहाँ पे है दोस्तों, उदयपुर में। कहाँ पे है ये, उदयपुर में है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दूसरी, पोती खाना। पोती खाना कहाँ पे है, जयपुर में है। पोती खाना जयपुर। नेक्स्ट में बात करता हूँ तीसरी, ठीक है, प्रमुख क्या संस्थाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। उसके अलावा बात करता हूँ मैं मान प्रकाश पुस्तकालय, ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों, यह जोधपुर में। मान मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय, इसके जो संस्थापक थे कृष्णों, किन्होंने संस्था स्थापना की थी, तो ये की थी दोस्तों यहाँ के जो महाराजा थे दोस्तों वो थे मान सिंह। उनके द्वारा क्या की गई थी दोस्तों, मान सिंह मान प्रकाश पुस्तकालय की क्या की गई थी, यहाँ पे स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे है दोस्तों, यह है जोधपुर में। और जोधपुर में कहाँ दोस्तों, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पे है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ चौथी या अंतिम, जीन दत्त सूरी ग्रंथ भंडार, आपने अभी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, वो कहाँ पे, जैसलमेर में है। वो क्या प्रमुख एक संस्था है, कहाँ पे, इसके चित्रकला की, तो यहाँ पे लिखा रहा हूँ मैं दोस्तों जीन दत्त सूरी ग्रंथ भंडार। कहाँ पे दोस्तों, यह सोनार दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग, ठीक है। तो प्रमुख क्या हो गए दोस्तों, यह है प्रमुख संस्थाएं, ठीक है, क्या है दोस्तों, प्रमुख संस्थाएं हैं दोस्तों। इसके आगे मैं बात करता हूँ प्रमुख संस्थाएं संस्थाएं हो गई, प्रमुख संस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान चित्रकला के प्रमुख संस्थान कौन से है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गए दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों संस्थान, ठीक है, संस्थाएं नहीं है यहाँ पे, संस्थान कर लीजिए, प्रमुख संस्थान। ये प्रमुख संस्थान हो गए दोस्तों राजस्थान में, प्रमुख संस्थान कौन से चित्रकला के, तो ये है दोस्तों उदयपुर में है दोस्तों, सरस्वती भंडार, पोतिकाना है जयपुर में, मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पे है, यह है दोस्तों मेहरानगढ़ में, और जिंदत सूरी ग्रंथ भंडार ये कहाँ पे है दोस्तों, सोनार दुर्ग में। तो ये क्या है प्रमुख संस्थान है चित्रकला के। मैं नेक्स्ट लिखा रहा हूँ राजस्थान, राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख संस्थाएं, ठीक है, और मैं लिखा रहा हूँ संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं चित्रकला की, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं और मैं आपको लिखवा देता हूं संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। दोस्तों आप इसके नोट्स जरूर बनाइए, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स से आप आसानी से दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं जल्दी से। बाकी अगर आप वीडियो दोबारा से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपका वीडियो अवेलेबल रहेगा हमेशा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रमुख संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो मैं बात करता हूँ पहले दोस्तों जोधपुर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जोधपुर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं इसकी, तो संस्थाएं की अगर बात करूं तो चितेरा आपने सुना होगा और धोरा, ठीक है, जोधपुर में कौन सी है दोस्तों, एक तो दोस्तों चितेरा, क्या है चितेरा, एक है दोस्तों धोरा, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये चित्रकला की क्या है संस्थाएं हैं, एक धोरा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दूसरी, नेक्स्ट मैं बात करूँ दोस्तों तो ये है दोस्तों नेक्स्ट भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा में क्या है दोस्तों, अंकन, क्या है अंकन, क्या है दोस्तों, यह संस्था है चित्रकला की। भीलवाड़ा हो गया, जोधपुर हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे तो उदयपुर हो गया, ठीक है, उदयपुर में दोस्तों क्या है दोस्तों, यहाँ पे उदयपुर है दोस्तों, उदयपुर, उदयपुर में एक तो है दोस्तों टकमण 28, ठीक है, एक तो क्या है दोस्तों टकमण 28,
28 या 28 दूसरी क्या है दोस्तों, तुलिका कलिकार, तुलिका कलाकार परिषद, तुलिका कलिकार परिषद, ठीक है। ये कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर में क्या है दोस्तों, प्रमुख एक संस्थाएं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों मैं जयपुर की, ठीक है। जयपुर, जयपुर में क्या है दोस्तों, जयपुर में जैसे हो गया, ये हो गया दोस्तों पेना, इसके अलावा आयाम, पेना हो गया, आयाम हो गया, इसके अलावा कलाव्रत हो गया, क्या हो गया दोस्तों कलाव्रत, कलाव्रत, ठीक है। ये कहाँ के दोस्तों, जयपुर के, पेना हो गया, आयाम हो गया, कलाव्रत हो गया, इसके अलावा रचनात्मक कला समूह हो गया दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों रचनात्मक कला समूह है, कला समूह है। ये क्या के हो गए दोस्तों, जयपुर की, उदयपुर की, भीलवाड़ा की या जोधपुर की। तो ये प्रमुख क्या है दोस्तों, संस्थाएं हैं चित्रकला की। तो प्रमुख क्या हो गए दोस्तों, हमारे संस्थाएं हो गई, प्रमुख संस्थाएं हो गई। तो पहले आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अति महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे, वह हम पढ़ेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिया तो मैं साइड में हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और हम पढ़ेंगे दोस्तों एक एक चित्र शैली को, ठीक है। सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम पढ़ेंगे दोस्तों मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ पढ़ेंगे, मेवाड़ में हम पढ़ेंगे दोस्तों उदयपुर पढ़ेंगे, नाथ द्वारा पढ़ेंगे, चावंड पढ़ेंगे, ठीक है, इसके अलावा देवगढ़ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे दोस्तों। शुरुआत करेंगे एक एक चित्र से लेगी मेवाड़ से, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बेसिक जो भी जानकारी है दोस्तों, जिससे आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, वो मैंने पूरी डिटेल आपको लिखा दी है। नेक्स्ट में बात करूंगा कि इसके कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे वहाँ पे, कौन कौन सी विशेषताएं थी, और इसके अलावा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो हेल्पफुल लगा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके अलावा आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और क्लास आप ज़रूर रेगुलर देखें, या आपको क्लास इसी टाइम पर डेली मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।